जो जर्नी है हमारी वो है बानसूर का किला, वो है लोहाघाट पे। यहाँ से लोहाघाट 13 किलोमीटर, उसके आगे 5 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद पड़ेगा बानसूर का किला। कुछ पर्सनल काम पड़ने की वजह से हम सीधे लोहाघाट से बानसूर किले को नहीं गए, हम लोहाघाट से गलचौड़ा होते हुए बानसूर किले को गए ताकि आपको अच्छा व्यू भी देखने को मिले। और ये सामने पे लोहाघाट का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इससे होते हुए आगे जाएंगे हम गलचौड़ा की ओर। अब हम पहुँचे हमारे होम टाउन, ये गलचौड़ा जगह का नाम है और यहाँ पे गलचौड़ी बाबा का मंदिर है। इस मंदिर की भी काफ़ी मान्यता है और ये मस्टा मंदिर पे होते हुए जा रहे हैं अभी हम। यह हम पहुँचे अब सीमेंट फैक्ट्री, यहाँ पे मिनी स्टेडियम का कार्य चल रहा है, कुछ टाइम बाद आपको यहाँ मिनी स्टेडियम देखने को मिलेगा। अभी सीमेंट फैक्ट्री का अभी हम आपको बानसूर के किले से भी दिखाएंगे ड्रोन शॉट के थ्रू। ये जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है यही है बानसूर का किला। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा कट कर दिया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं बानसूर के किले के पैदल रास्ते पे, यहाँ से पैदल रास्ता स्टार्ट होता है ऊपर की ओर, पूरा रास्ता ऊपर तक ही गया हुआ है बानसूर के किले तक। इस रास्ते को फॉलो करते करते इजली आप पहुंच सकते हैं। इस रास्ते पे काफ़ी चढ़ाई है क्योंकि यह पहाड़ी के टॉप में है। ज़्यादातर आपको उत्तराखंड के जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो ऊँचाई पर ही मिलेंगे। पीछे रोड से ऊपर बांस के किले पे आने के लिए आपको करीबन 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं बांस के किले पे। ये जो है हम जस्ट नीचे हैं उसके, ये ऊपर पे बांस का किला है और अब नीचे हैं। ये पहुंचे बानसूर के किले के अंदर, कुछ इस प्रकार से बानसूर का किला। अभी जो हम पहुंचे हुए हैं बानसूर का किला, ये है बानसूर का किला पूरा। और देखा जाए तो यहाँ से बहुत ही बेहतरीन व्यू दिखता है पूरे एरिया का, पूरे लोहाघाट का। और यहाँ से देखिए पूरा व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है यहाँ से। यह अभी आप नीचे से देखा, अभी आपको ड्रोन शॉट से बांस के किला भी दिखाएंगे, इसका रास्ता भी और साथ में लोहाघाट के आसपास के एरिया को भी दिखाया जाएगा।
कहते हैं कि इस बांस के किले का निर्माण मध्यकाल में हुआ था और यहाँ पे श्री कृष्ण ने बांसुर नाम के दानव का वध किया था क्योंकि उसने श्री कृष्ण के पोते का अपहरण किया था। पहले यहाँ पे इतनी सफाई नहीं हुआ करती, यहाँ के ग्रामीणों ने सफाई करी गई है। चलिए अब मेरे द्वारा लिए गए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स को आप एंजॉय कीजिए। और ये है पूरे बिजन का व्यू।